सीटें बढ़ाने के लिए ज्ञापन के द्वारा तहसील सभागार में जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है। प्रत्येक विषय में 80-80 सीटें बढ़ाने की मांग की है, जिसमें छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय प्रांगण में एवं तहसील सभागार में जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक शिवनंदन राजपूत ने बताया कि सीटें कम होने के कारण हमारे कई भाई बहनों का एडमिशन नहीं हो पाया है, जिसके चलते आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी है, तथा यह भी बताया 3 दिन पहले हम लोगों ने उप जिलाधिकारी चरखारी को ज्ञापन दिया था, जिसमें आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसी के चलते आज हम लोगों ने जिलाधिकारी जी के सामने अपनी मांगे रखी है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे पूरी न होने पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को चक्का जाम एवं आंदोलन भी करना पड़ा, तो वह करेंगे। किस संगठन से हैं? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूं। समस्या है आप लोगों की? मेरा नाम शिवनंदन राजपूत है जी। मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक हूँ। आज हमारा विषय है कि हमने देखा है कि सभी छात्र छात्राएं विद्यार्थी परिषद के पास आई, उन्होंने अवगत कराया विषय कि बीए में 120-130 छात्र छात्राएं ऐसे परेशान हैं, इनका एडमिशन नहीं हुआ है, वे वंचित रह गए हैं सीटों की कमी के कारण। आज हमने सभी छात्र छात्राओं को लेकर विद्यार्थी परिषद के लेटर पैड पर हमने लेटर पैड पर दिया है विषय, अवगत कराया है डीएम साहब को। पहले 3 दिन पहले एसडीएम को करवाया था, उनसे हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला। आज हम डीएम जी के पास आए और सीट बढ़ोतरी के लिए ज्ञापन दिया। कितनी सीट बढ़वाने की मांग की? एक विषय में 80-80 सीट बढ़ोतरी करने की मांग की है। पहले 60 सीटें थी एमए में, हमने ज्ञापन दिया था 120 हो गई है। पहले 533 सीटें थी, हमने विद्यार्थी परिषद में मांग की तो बीए में 633 सीटें बढ़ी। बच्चियां और बच्चों की संख्या बढ़ती हुई देखा गया कि ऐसे अब कोरोना काल में छात्र छात्राओं का भविष्य खिलवाड़ हो रहा था। आपको सभी को अवगत है कि ऐसी महामारी आई और एक समय खुला है पढ़ने का, पढ़ाई का, तो छात्र छात्राओं एकजुट लेकर एडमिशन लेने के ठानी है। और हम चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि सीटें बढ़ोतरी हो, सभी भैया बहनों का एडमिशन हो सके। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि आप जल्दी से कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों को सीटों की बढ़ोतरी की मांग की जाएगी। यदि नहीं बढ़ती फिर क्या होगा? विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, न प्रशासन को न कॉलेज प्रशासन को। चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, विद्यार्थी परिषद करेगा और सीट को बढ़ोतरी का काम करने का काम करेगा। कहाँ की रहने वाली है? यहाँ पर आज आई ज्ञापन देने, क्या समस्या है आपकी, क्या किस लिए आई थी? हमारी समस्या ये है कि हम सभी छात्र परेशान हैं बीए में एडमिशन लेने के लिए। हम यहाँ पे 4 दिन से आ रहे हैं और ये जो हमारे कॉलेज प्रशासन है वो हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि सभी विषय में 80-80% सीट बढ़ाई दिया जाए बस। और जब मैं प्रिंसिपल सर से बात अंदर करने गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपसे बात करना मतलब नहीं चाहते हैं। वो हमें रोज बस एक ही आश्वासन दे रहे हैं कि आप कल आओ, परसों आओ, और आप कह रहे हैं कि आप 9 तारीख को आओ। और उन्होंने हमसे ये बोला, हमारी थोड़ी सी उनसे मतलब आपस में बहस हुई तो उन्होंने हमसे बोला कि आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? हम अपनी डिमांड पूरा करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आप सुनो ना। अरे कॉलेज हो या कोई भी चीज हो, जनता से चलती है। अगर कॉलेज में, एक बात बताओ आप लोग सभी, अगर कॉलेज में बच्चे लोग नहीं आएंगे तो कैसे कॉलेज चलेगा बताओ? तो बस यही हमारी बस आप लोग आप सभी से मांग है कि हमारी मतलब बीएमए सीट बढ़ा दिया जाए बस। धन्यवाद। सर्कल ऐप अपने शहर